ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रॉपर्टी विवाद में शिवसेना पार्षद के बेटे ने ही अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी है और घर से 1.5 करोड़ रुपए कीमत के आभूषण लेकर फरार हो गया है। इसी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है और हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। दरअसल 20 सितंबर को ठाणे शहर शिवसेना पार्षद मानिक पाटिल ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनका लड़का राकेश पाटिल लापता है और बंगले से 3.5 किलो सोने के गहने गायब हैं, जिसके बाद कासर वडौली पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में पता चला कि राकेश की एक्टिवा एक गौरव सिंह नामक व्यक्ति के पास है। जब गौरव को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ कि गौरव और पार्षद का बेटा सचिन पाटिल ने मिलकर राकेश पाटिल की हत्या कर दी और लाश खाड़ी में फेंक दिया है और बंगले से 3.5 किलो आभूषण लेकर गायब हो गए। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी है। इनके पास से एक पिस्तौल और चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किया गया है। मानिक पाटिल ये 15 तारीख से 20 तारीख तक एडमिट थे बेतनी में, उसी दरमियान ये वाकया हुआ था। 20 तारीख को जब मानिक पाटिल अपने घर पे आए तो उनको पता चला कि उनका बड़ा बेटा मिसिंग है, तो उसका मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने दर्ज किया 20 तारीख को। फिर उसके बाद 22 तारीख को उनका फिर एक ये कंप्लेंट दिया 380 से आईपीसी 380 के अनुसार उन्होंने कंप्लेंट दिया कि घर में चोरी हुआ है करके तिजोरी फोड़ के। तो वो कंप्लेंट में जब उसमें तपास चालू था तो तपास के दौरान ये मालूम पड़ा कि उसकी स्कूटी जो राकेश पाटिल को वो स्कूटी लेके गया है ऐसा ये था, वो स्कूटी हमें किसी के पास है बंदे के पास वो पता चला। उससे हम लोग रे गौरव सिंह जो कि इसमें अभियुक्त है उसको हमने 23 तारीख को ताबे में लिया, तब उसके पता चला कि ऐसा ऐसा पूरा वाक्य हुआ। उसके बाद सचिन को मुझे लगता है 26 तारीख को उसको भी अटक की है और जो पूरा मुद्देमाल था वो सचिन के ताबे में था, उसे सब कुछ रिकवर किया गया है। मोटिव कैसा था कि सचिन और जो कि डिसीज्ड है राकेश पाटिल करके, राकेश पाटिल ये मानिक पाटिल के पहले पत्नी का लड़का था और सचिन पाटिल ये उनके तीसरे पत्नी का पहले वाले पति से लड़का था, जो कि 10-11 साल से सचिन उनके घर में रह रहा था और राकेश दूर रहता था। तो अभी 15 दिन पहले राकेश उनका बंगले में रहने के लिए आने वाला था, उनका समेट हुआ था और उसके बीच में उसके चलते सचिन को ये लग रहा था कि अभी ये मेरा इसमें से हिस्सा निकल जाएगा और इसमें प्रॉपर्टी में अभी फिर राकेश का एक बार फिर से कब्जा हो जाएगा, इसलिए वो सब ये करने के लिए वो सब दूर करने के लिए उसने उसका ख़त्म कर दिया। 3 किलो 700 ग्राम जो था वो बरामद किया गया है। पुलिस कस्टडी कितनी पर्यंत है? 4 तारीख तक है। 1 तारीख तक गौरव सिंह का था और सचिन का 4 तारीख तक है। गौरव सिंह का भाई का ऊपर रिकॉर्ड है, शायद गौरव सिंह का ऊपर भी रिकॉर्ड नहीं है कोई। जो हथियार बरामद किया वो लाइसेंसिंग ना बगैर लाइसेंसिंग देसी कट्टा है। अच्छा, जो मैया मृत हुआ शरीर तो उसका कुछ पता चला सर? उसका शरीर उन्होंने रिवील बताया गया कि वाशी खाड़ी के ऊपर 2 चद्दर में और सोफे का कवर जो होता है उसके अंदर डाल के लपेट के उसमें खाड़ी में फेंका हुआ है। वो स्पॉट वगैरह वेरीफाई किया 3-4 दिन से, 23 तारीख से हम लोग उसका ढूंढने का पूरे तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं।